बैत मोहम्मद का बानियान जश्न के जितने भी दिल हजार थे शरीयत के मुताबिक पूरे फरमा। जो जो मोमिनीन मालिक अल्लाह इस जश्न में शरीक हैं इनके जितने दिल हजार थे उन्हें बरला मेरे मालिक अल्लाह। जो मोमिनीन इस शफे अदा की इस फर्श अदा की रौनक हुआ करते थे आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं चौरा का खालिक अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। उन्हें जवाब मासूमीन अलैहिस्सलाम मुकद्दस जगह नसीब फरमा। फिर मालिक अल्लाह हमारी सबसे बड़ी और सबसे आखिरी दुआ हकीकी आयतुल्लाह हकीकी हुदूदुल इस्लाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुकद्दस तरीन ज़हूर में ताज़ीन फरमा। अपनी अपनी दुआओं को कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ सहारा जरूर करें बाबा ज़रूरत सलाम। सामीन ग्रामी कदर वालिया ने हैदर करार सबसे पहले हर अली वाले को बादशाह अली की इस गदीर की ईद अकबर की मुबारक हो क्योंकि कल का दिन ईद गदीर के नाम से मनसूब है और ये वो दिन है कि जिसे आइमा ताहरीन ने ईद अकबर कहा है। मुसलमानों के पास दो ईदें हैं एक का नाम ईद उल फितर है एक का नाम ईद कुर्बान है। ईद उल फितर भी मुसलमान मनाता है और ईद कुर्बान भी मुसलमान मनाता है मगर इज्जत आले मोहम्मद की कसम है ईद गदीर सिर्फ और सिर्फ हलाली मनाता है। आप सलामत रहे हाथ उठ गए जनाब सैयदा इन्हें कमीने का मोहताज न करें। मैं जुमला तब्दील करके कह देता हूँ ईद उल फितर भी मुसलमान मनाता है ईद कुर्बान भी मुसलमान मनाता है ईद गदीर वो मनाता है जिसका बाप एक हो मां एक हो। आप सलामत रहे ये वो दिन है कि जिस दिन बादशाह रिसालत माब ने अपने बाद अली को मुंतखिब करके बता दिया कि मेरा नायब मेरे बाद अली है मेरे बाद खलीफा मेरा अली है मेरे बाद बसी मेरा अली है। मुझे तारीख के दामन में जाना नहीं कुरान की रोशनी में गदीर पढ़ते हैं नबी ने अली बादशाह की विलायत का ऐलान गदीर में किया। किताब का नाम है हक्कुल यकीन लिखने वाले हैं अलामा बाकिर मजलिस शिया मजहब में पहाड़ जितना नाम है अलामा बाकिर मजलिस जी का कोई शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली इब्न वलीउल्लाह पढ़ के अलामा मजलिस का इनकार नहीं कर सकता। तो हक्कुल यकीन में लिखते हैं कि ये आयत गदीर के मैदान में नहीं है। नबी हज के दौरान तवाफ कर रहे थे ये जिब्राइल ने आके पार मोहम्मद के कदमों पर आके कहा अल्लाह कह रहा है हज के दौरान अली की विलायत का ऐलान कर। नबी की आवाज है जिब्राइल मैं अपने परवरदिगार के सामने हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ मेरे मालिक अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्होंने मुश्किल से पढ़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह और भी मुश्किल से पढ़ा है अगर अली की विलायत का ऐलान कर दिया ये मुझे भी छोड़ देंगे और तुझे भी छोड़ देंगे। चुप करके जिब्राइल वापस चले गए। अलामा मजलिसी लिखते हैं इधर हज करने के बाद मोहम्मद गदीर कौम के मैदान में आया या जिब्राइल ने फिर बार आके मोहम्मद के कदमों में रखे अल्लाह दरूद व सलाम के बाद कह रहा है मेरा मोहम्मद अली की विलायत का ऐलान कर। नबी ने फिर वही जवाब दिया जब जाके अल्लाह से कहते कि अगर मैंने अब अली की विलायत का ऐलान कर दिया तुझे भी छोड़ देंगे मुझे भी छोड़ देंगे। अगले ही लम्हे में जिब्रील ने कहा अब अल्लाह कह रहा है तू अली का ऐलान कर इनके इशारे से तुझे अल्लाह बचाएगा। इनके इशारे से तुझे अल्लाह बचाएगा ये बात कुरान ने साबित कर दी। जो भी अली पढ़ेगा उसे लोगों के शर का खतरा होगा। जो बात समझ गए जो भी अली पढ़ेगा उसे लोगों के शर का खतरा होगा और शर से बचाने वाला पहला मुहाफिज खुद खुदा होगा। आवाज़ खुदाई मेरा मोहम्मद ऐलान कर इनके शर से तुझे मैं बचाऊंगा। आज मुसलमान बाकी कह देते हैं शिया या ही मदद सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए अली शिफात कर ही नहीं सकते। शिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है अल्लाह के अलावा कोई शिफात नहीं कर सकता। लाओ कुरान मुसलमानों तुम्हारा कसूर इतना है तुम कुरान तरावियां मुकम्मल करने के लिए पढ़ते हो दीन सीखने के लिए नहीं पढ़ते। कुरान सूरह मरियम अल्लाह फरमाया ला यमलकूना शिफा इल्ला मन अतखज़ा इंदा रहमान हदन खुदा कह रहा कोई मालिक नहीं है शिफात का। किताब की रिवायत नहीं कुरान की आयत है जितने तोहीद
कोई मालिक नहीं शिफात का, शिफात का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, बस अल्लाह, फकत अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। लेकिन आयत तो यहाँ पे रुकी नहीं, खुदा कह रहा है ला यमलिकुन शिफा इल्ला मन अतखदा इंदा रहमान अहदन, कोई मालिक नहीं है शिफात का, लेकिन एक मन है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। मेरे मालिक अल्लाह, हम रोजे रखते हैं शिफात हासिल करने के लिए, नमाजें पढ़ते हैं शिफात हासिल करने के लिए, मेरे मालिक अल्लाह की बातें करते हैं शिफात लेने के लिए, हम तेरी तहदीस में आए थे शिफात लेने के लिए, तूने कह दिया ये मन है, हमें बता ये मन नबी है, हमें बता ये मन मुर्शिद है, हमें इस मन की तहदीस पर पहुंचा। आवाज़ें तो इधर दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, कुरान की तहदीस पे आके बैठो। मैं कुरान की तहदीस के आगे जानू टेक के बैठा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा तू अली के घर पे उतरा है, मैं अली के घर का नौकर हूँ, मुझे खोल के बता ये मन क्या है। कुरान की अगली आयत में सर उठाया, जाओ आता है। ये जिस मन में चाहे
उस इमाम विलायत अली को लोगों ने समझाई नहीं, जिसने ज्यादा छलांग लगाई उसने कहा अली की विलायत मुस्तहब। मिंबर से अक्सर ये बात बयान की जाती थी अली की विलायत वाजिब नहीं, वाजिब है। एक मिंबर पे खड़ा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली बिन वलीउल्लाह, शिया की फिक में वाजिब का लफ्ज ही कोई नहीं। पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, जिस आलम से चाहिएगा तईन के बाद फिकाए अहले बैत में औजब का लफ्ज कोई नहीं। विलायत अली ना वाजब है, ना मुस्तहब है, ना मुबदिल है। विलायत अली अजल रिसालत का नाम है। अब ये भी मुझे वाजे करना होगा कि अजल रिसालत किसे कहते हैं। विलायत अली अजल रिसालत का नाम है। आप जाए एक नया कपड़ा खरीदे, दर्जी के पास जाएं, उनसे सिलाई करवाएं और वापस घर लेके आए, लेकिन घर लाने से पहले दर्जी को उसकी उजरत ना दें, उस लिबास को अतर से धोएं, पहन के सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके इबादत करें, सुबह जाके अपने मर्जी के मौलाना साहिब से पूछना कि मैंने उजरत नहीं दी थी अपने लिबास की, क्या मेरी नमाज हो गई? वो कहेगा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तूने उजरत नहीं दी। फिर कुरान नबी चाहे और कोई चला जाए ये नहीं हो सकता। नबी ने फलान किसी के नहीं उठाया, क्योंकि दस भी जगह पे नमाज नहीं होती। नबी ने फलान उतरवाए उनके जिनके दिलों में पहले से अली था। अबू जर का फलान, सलमान का फलान, मिकदाद का फलान, क्योंकि दो हुज्जतों के कदम आने थे। सामने अली को खड़ा किया। मिंबर से पढ़ा जाता है, नबी ने यूं अली का बाजू बुलंद किया, किताबों में ऐसे नहीं लिखा। सामने अली को खड़ा किया, पीछे नबी खड़े हो गए। अब किताबें कहती हैं यूं नबी ने अली की बगलों में हाथ डाले, यूं बुलंद किया। अब मंजर अपने जहन में रखिएगा, यूं अली को बुलंद किया, इमामत तुलू हो रही थी, नबूवत गुरू हो रही थी। हाय हाय, इसे कहते हैं खतरे नबूवत। नबी ने अली को बुलंद करके मन कुन तो मौला हो फहाजा अली यौन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उस उसका अली मौला है। ये तर्जमा किया गया, तर्जमा गलत। कुन तो अरबी जानता है, उसे पता है कुन तो माजी का सीगा, यानी मोहम्मद कह रहे हैं जैसे नबी ने कहा कुन तो नबी जन आदम माइल माह होते, मैं तब भी नबी था। कौन तो कम जन मखफिया, अल्लाह कह रहा मैं छुपा हुआ खजाना था। अली कह रहे कौन तो मैं तब भी वली था जब आदम मट्टी और पानी। इसका मतलब जहां कौन आ जाए वो कौन तो आ जाए वो माजी का सीधा है। नबी कह रहे मान कौन तो मौला हो फहाजा अली जन मौला, जिस जिसका मैं मौला था उस उसका अली मौला है। अब मुझे बताना पड़ेगा मोहम्मद किस किस का मौला था। जो मौजूद नहीं है उस पर भी वाजिब, यानी जो मैदान
रूम में मौजूद है उस पे भी वाजिब है कि अली का विलायत का पैगाम आगे पहुंचाए, और जो मौजूद नहीं है उस पे भी वाजिब है कि अली की विलायत का पैगाम आगे पहुंचाए। अल्लाह जाने कौन मेरी बात समझेगा और किसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। नबी कह रहे हैं अली की विलायत का पैगाम पहुंचाना हाजिर पे भी वाजिब है और गायब पे भी वाजिब है। मुसलमानों अकल के नाखून लो, जिस अली की विलायत का पैगाम पहुंचाना उम्मत पे वाजिब हो उस अली की विलायत के इकरार का क्या मकाम हो, उस अली की विलायत का इकरार का क्या मकाम। अली शहंशाह की विलायत का ऐलान मोहम्मद मुस्तफा ने किया, मन कुंत मौला हो आशा अली के मौला। आप किताबें कहती है तीन दिन तक गदीर के मैदान में पड़ाव डाला, तीन दिन एक एक सहाबी मजमे से निकल गया था अली के हाथ पे बैत करता। अब आम दुनिया में बैत का तरीका ये है, अली ने ऐसे बैत नहीं की, दलील दे देता हूँ क्यों, क्योंकि मासूम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अली शहंशाह का हाथ यूं था और यूं लोग आगे अली के हाथ पे बैत कर रहे थे। अब जिसका जहन मेरी तरफ है, अली यूं बैत ले रहे थे, हम आप फिर बताएं कि हमारे घरों पे गाजी का हाथ ऐसे क्यों है, हमारे घरों पे गाजी का आलम का हाथ ऐसे होना इस बात की दलील है कि ये घर वाले पहले से किसी के हाथ पे बैत कर चुके हैं। दलील दे दूं, जिस घर पे गाजी के आलम का हाथ होना आज तक किसी ने दरवाजा खटखटा के नहीं कहा शाम को मस्जिद में आइएगा अल्लाह की बातें करेंगे। अली शहंशाह के हाथ पे बैत होना शुरू हो, किताब के लफ्ज ना हो आपका नहीं 14 का मुजर हो, क्यों अली के हाथ पे बैत होना शुरू हो गई। चंद मोहम्मद के सहाबियों ने सोचा, उन्होंने कहा अब ऐसे अली की बैत से नहीं बचा जा सकता, अब इंतजार करो नमाज के वक्त का, नमाज का वक्त हो जाएगा हम पढ़ने लग जाएंगे नमाज, फिर नबी पूछेगा तुमने अली की बैत की या नहीं की। हम कहेंगे या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज का बहाना बना कि हम अली की बैत से बच जाएंगे। इधर खून के मैदान में बिलाल ने अशहदु अन्ना अली जन वलीउल्लाह कह के अजान दी, तभी मुसल्ले पे नमाज के लिए आके खड़े हुए, पीछे सहाबियों की सफ़े लगी मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। जब कायनात के सबसे बड़े नबी ने पीछे मदीने में मुसलमान हो गए। चंद बंदों ने बात समझी, मैं बात खोल के कर देता हूँ। मक्के में काफिर थे तो कोई खदीजा के माल की वजह से मुसलमान हुआ, कोई अली की तलवार के डर से मुसलमान हुआ। इन्हें याद था कि मक्का में अबू जहल ने कहा था ए मोहम्मद अगर तू सच्चा है कह अपने अल्लाह से वामतन अलैना बिहिजारतम मिन अस्समा, आसमान से हमारे ऊपर पत्थर नाजिल कर। कुरान कहता है सरकार रिसालत आपने हाथ उठाने का इरादा किया था या जिब्राइल ने पर मोहम्मद पर कदमों पे आके रखे ऐ मेरा नबी दुआ के लिए हाथ ना उठाना। अल्लाह कह रहा है वकान जब तक तू इनमें है तब तक अजाब नहीं आएगा, जब तक तू इनमें है तब तक अजाब नहीं आएगा। अब जुमला पढ़ूंगा, जो जो बंदा जमाने के इमाम की रैयत है और पार में से सदका मान के खाना हिलाल समझता है उसके चेहरे पर रौनक जरूर आ जाएगी। नबी से जिब्राइल ने कहा अल्लाह कह रहा है जब तक तू इनमें है तब तक अजाब नहीं आएगा। आज मुसलमान पर सीना चौड़ा करके कहता है नबी दुनिया से चला गया, वो तो मदीने की मट्टी में सो गया। अगर नबी दुनिया से चला गया है फिर कौन सा गुनाह है जो ये उम्मत नहीं करती, चोरी ये उम्मत करती है, झूठ ये उम्मत बोलती है, सारे गुनाह इस उम्मत में है, अजाब क्यों नहीं आ रहा। अजाब का ना आना इस बात की दलील है आज भी पर्दे में कोई मोहम्मद मौजूद है। सलामत रहे सदाबाद रहे, आज भी पर्दे में कोई मोहम्मद मौजूद।
बादशाह नबी ने ये ऐलान किया। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि वो अबू जहल ने अजाब मांगा था, अजाब नहीं आया, अब ऐसा करो नबी के करीब जाओ और जाके कहो ऐ मेरे रसूल, अगर ये ऐलान अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह से के हम पे अजाब नाजिल कर, अजाब आएगा नहीं, अली की विलायत से हमारी जान छूट जाएगी, क्योंकि वो वादा कर चुका है जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। ये सोची समझी तदबीर के तहत वो लोग जिनके लिए सूरह मुनाफिकून उतरा था, इन्होंने एक बंदे को तैयार किया, वो मोहम्मद के पहलू में आके खड़ा हुआ, खड़ा होकर तैयार सुनला जी आपने अपनी तरफ से ऐलान किया या अल्लाह की तरफ से ऐलान किया। नबी की आवाज ही ओ बदबخت तू नहीं जानता, मैं तो तब तक लूट की नहीं करता जब तक उसकी वही ना आ जाए। जो कहता है अगर उसकी तरफ से है फिर उससे कह के मुझ पर अजाब नाजिल कर दे। कुरान कहता है वशा अला साइल फिर अजाब फिर भाग के अजाब मांगने वाले के मांगने में देर थी, कि आसमान से पत्थर आया इसके सर पे लगा, ये वहीं पे फिर नार हो गया, हाथ मोहम्मद ने जोड़े, मेरे अल्लाह तूने कुरान में कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। मेरे मालिक अल्लाह जी हाजी भी है, नमाजी भी है, सहाबी भी है, पेशानी अल्लाह के आगे झुकाई ऐसे के जमाने को मजबूर होके मानना पड़ा कि वो अल्लाह है। हम कतन अली को अल्लाह नहीं कहते, हम अली को अली युन वलीउल्लाह कहते हैं। मातम करने को दिल करता है उस बंदे की अकल पे जो कहता है ये अली को अल्लाह कहते हैं। अगर हम अली को अल्लाह कहते होते ना हम तेरा बच्चा मनाते ना हम 21 रमजान मनाते, क्योंकि अल्लाह ना पैदा होता है ना मरता। अली शहंशाह की शहादत हुई, अली शहंशाह दुनिया में आए, और जो दुनिया में आए और फिर शहादत के पर्दे में चला जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो अल्लाह का मजहर था, उसने अल्लाह ऐसे मनवाया। अली शहंशाह के मुनकर के सर पे आके पत्थर लगा, आप मुझे बताओ ये पत्थर कहाँ से आया? जमीन से उठा, आसमान से आया, आसमान पे पत्थर का क्या था? क्योंकि पत्थर का ताल्लुक है जमादात से और जमादात का ताल्लुक है जमीन से। ये पत्थर आया आसमान से, हाँ आसमान पे पहाड़ हैं लेकिन नूर के, ये पत्थर कहाँ से आया? जमाने को समझ ही ना आती। मेरे आठवें बादशाह से एक साहिब ने पूछा या रसूल अल्लाह हमें बताइए ये गदीर के मैदान में पत्थर कहाँ से आया था? इमाम की आवाज है आओ कुरान की तहरीज पे, कुरान तुम्हें बोल के बताएगा ये पत्थर कहाँ से आया था? मैं कुरान की तहरीज पे आया, कुरान की आवाज है अलम तर कैफ फाल रब्बुका बि असहाबिल फील, तुमने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था? मैंने कहा हाँ हाँ याद आया, वो अब्रहा हाथी लेके आया था और अल्लाह ने उसके मुकाबले में अब फील भेज दिए थे, वो सबसे बड़ा लेके आया था और अल्लाह ने सबसे छोटे भेज दिए थे। यही कुदरत का असूल है, वो बड़ों के मुकाबले में छोटे भेज ही देता है, और जो अल्लाह ने भेजे थे उनमें से किसी का निशाना भी खता नहीं हुआ था, क्योंकि जिन्हें अल्लाह भेजे उनमें खता होती ही नहीं है। एक एक अब फील ने एक एक हाथी का निशाना दिया, या एक फरिश्ते ने आके अब फील के कान में कहा, उसने कहा तूने अपने हिस्से का पत्थर नहीं मारना, अपने हिस्से का पत्थर लेके फलां गार की कोख में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क के सिवा भी अल्लाह के पास है, तेरी सांसों का सिवा भी अल्लाह के पास है, जब लम्हे महीनों में बदले महीने सालों में बदले। इधर गदीर के चौक में इस हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया, फरिश्ते ने कहा कि अपने हिस्से का पत्थर निकाल इसके सर पे मार, मालिक के मकान पर अल्लाह अली के
दुश्मन को बर्दाश्त करता ही नहीं है। अल्लाह ने कभी भी अली का दुश्मन बर्दाश्त नहीं, क्यों? क्योंकि अली ने सारी जिंदगी ना अल्लाह का दुश्मन छोड़ा, ना मोहम्मद के दुश्मन को छोड़ा। अब अल्लाह और मोहम्मद मिलके सारी जिंदगी अली को दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में बच जाओगे, आखिरत में कहां जाओगे? जब नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, सर भी उठा के बड़ी हसरत के लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, फरिश्तों से अल्लाह की आवाज आएगी, इन्हें रोको, ये कहां जा रहे हैं? मेरे अल्लाह नमाजें इनके पास है, मेरे अल्लाह हज इनके पास है। बंदा देखूंगा जो अली को मानता है और चुप करके बैठ रहा, मेरे अल्लाह रोजे इनके पास है, हज इनके पास है, ज़कात इनके पास है, फिर कहां जा मौला हूं मैं, किस किस का मौला हूं? 7 लाख सहाबियों का मजमा खमोल